गोपालपुरा के शमशान का शमशान के अंदर हमारी टीम पहुंची है। यहाँ पर जो टीन सेट था वो एक ही बारिश में ढह गया था और यहाँ पर आने जाने का रास्ता भी नहीं है। रास्ते में पूरा कीचड़ भरा हुआ है और यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। और बात करते हैं हम हमारी टीम के सदस्य राजेश जी भाई साहब से। राजेश जी, आपको इस शमशान घाट में पहुँचे हो तो आपको यहाँ पर क्या कैसा लग रहा है? ये शमशान रास्ता नहीं है शमशान का, और यहाँ थोड़ा बहुत टीन सेट था वो भी बारिश के हिसाब से गिर गया, और आम आदमी को कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए बहुत परेशानी से आना पड़ता है इधर, और लोगों को जुगाड़ करके दूसरी जगह दाह संस्कार करना पड़ता है। बारिश की वजह से दाह संस्कार भी बराबर नहीं हो पाता है, है ना? और एक यहाँ पर आने के जो रास्ता है, रास्ता कैसा है आने का? रास्ता तो बिल्कुल खराब है, रास्ता है ही नहीं। रास्ता कैसा है क्या? बिल्कुल पानी भरा है चारों तरफ और पैर बैठ जाते हैं। अभी मेरे पैर बैठ गए, मैं इधर आया तो। ठीक है सर, हैंडपम्प है जी यहाँ पर जो पानी का हैंडपम्प है वो भी बंद पड़ा हुआ है। और ये है यहाँ का नज़ारा जो आप देख रहे हो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। हैंडपम्प है वो भी पूरा टूटा हुआ है और रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी के ऊपर है ये, जहाँ पर पूरा कीचड़ है। अगर कोई डेथ अंतिम संस्कार के लिए अर्थी को लेकर आते तो भी लोगों को कहीं भी पैर पसल के गिरने की संभावना रहती है। ये है गोपालपुरा ग्राम पंचायत आरणी, तहसील रासमी, जिला चित्तौड़गढ़ के शमशान घाट के हाल।